अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई यहाँ पे कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अगर कोई बंदा आ रहे नेक्स्ट इनटेक के लिए यहाँ पे, तो इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या फ़ायदे है यहाँ पे, क्योंकि आज मैं आया हूँ सुबह से, मैं यहाँ पे लगा हूँ। मैंने इस यूनिवर्सिटी का जो है ना 30% एरिया भी कवर नहीं किया है। तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की जो ख़ास बात है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, इसकी लोकेशन। क्योंकि सब लोग को पता है मैं लंदन में यूनिवर्सिटी में रह रहा हूँ, लंदन में मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटी को देखा, वो एक बिल्डिंग सा होता है। लंदन में जितने भी यूनिवर्सिटीज है तो उसका बहुत सा लिमिट सा एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे आके कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी है क्या है यार, जो भी है इसका जो है ना एरिया मैंने देखा, एरिया के लिहाज से बहुत अच्छी लोकेशन पे है। ये खेंट एरिया है, खेंट इसको कहता है इस जगह पे। ये इसमें हर किस्म के, एक तो हर किस्म के कोर्सेज अवेलेबल है, और इसके जो क्लासरूम है स्टूडेंट है ब्रिटिश भी है, लेकिन ये जो एरिया है इसमें स्पेसिफिकली आपको ब्रिटिश लोग मिलेंगे। जिस तरह के हमारे एल्फर्ड या बार्किंग या लंदन में जो है ना 90% और लोग रह रहे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गोरे लोग आपको मिलेंगे। और एक तो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है, यूनिवर्सिटी में हर किस्म के कोर्सेज अवेलेबल है, प्रैक्टिकल लैब्स। ये पहले मैंने सुना है कि ये पहले एक चर्च था, तो यहाँ पे लोकेशन तो बहुत परफेक्ट है। फिर अगर फीस के लिहाज से देखा जाए जाए तो ये यूनिवर्सिटी बहुत फ्लेक्सिबल है, स्टूडेंट को तंग नहीं करते और फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते। क्योंकि अभी मैं गया था वहाँ पे अंदर, तो मैंने देखा जो स्टूडेंट के परसेंटेज या अटेंडेंस के कम थे, तो ट्यूटर खुद आके उन लोगों से डिस्कस कर रहा था आप लोग को क्या मसला है, कैसे आप लोग को हम आपको डील कर सकते। पहले इनटेक में आप लोग को यही मसला था, पार्किंग की जरूरत है, मतलब फैसिलिटीज और पोलाइटनेस की बात किया जाए तो ये बहुत परफेक्ट है। फिर मैं गया सेंट्रल साइड पे, यहाँ पे जो इलाका है, तो यहाँ पे आपको बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलेंगे, जगह एरियाज, मतलब एवरीथिंग यहाँ पे जो है ना सब कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जिस तरह की आपको पूरे यूके में नहीं मिलेगा। एक तो यहाँ का वेदर जो है, वेदर बहुत क्लीन है, इतने मसले मसाइल नहीं है, क्राउड नहीं है, और यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी प्लेस पे है, यूनिवर्सिटी के लोग भी अच्छे थे। तो उसके लिए प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, एरियाज बहुत ओपन स्पेसेस है, यहाँ पे बहुत खुले रोड है, सब कुछ आपको ईजी एंड फ्लेक्सीबल मिलेगा। लेकिन लंदन में आपको बड़ी पेनल्टी भरना पड़ेगा, पार्किंग आपको नहीं मिलेगी, आपको इतने अच्छे अकोमोडेशन नहीं मिलेंगे। फूड की बात किया जाए तो फूड भी यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छे फूड आपको मिलते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अभी मैं फूड के लिए बाहर गया था, यहाँ पे बहुत अच्छा जायका हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी। और यहाँ पे एक और बात भी मैंने जज कर दी, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग को मैंने देखा जो बाहर से आते यहाँ पे, ऐसे जगह जिसकी वो पिक्चर निकालते, वीडियोस, चर्च भी, मुख्तलिफ ऐसी पॉइंट्स है ना जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका, लेकिन वीडियो में आप देख सकते कितनी अच्छी जगह पे। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट एक और भी है, वो नेगेटिव पॉइंट यही है कि यहाँ पे जॉब्स इतने नहीं जिस तरह लंदन में होते, यहाँ पे जॉब की बहुत शॉर्टेज है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे, तो वो लंदन या आउटसाइड सिटीज में रह रहे, लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो चाहते हैं कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी या नेचर लवर हो, तो ये यूनिवर्सिटी आप कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है उसके साथ में आया हूँ, मैंने उन लोगों से पहले कहा था कि लंदन, लेकिन लंदन नहीं, कैंटरबरी जो एरिया है ना, ये लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, पीसफुल है, और टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको सिर्फ ब्रिटिश मिलेंगे, झगड़े ये मसले क्राउड वगैरह नहीं होगा। तो एट द एंड में सब स्टूडेंट को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जो है ना यूनिवर्सिटी कैंटरबरी को आप कंसिडर कर रहे हैं, तो ये बात दिमाग में याद रखिए, यहाँ पे जॉब्स जो है ना सिर्फ डिलीवरी जॉब्स है, बाकी सिक्योरिटी की जॉब्स भी यहाँ पे है, लेकिन उसके लिए आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी होनी चाहिए। अगर फिर आपको लोकेशन वगैरह इन चीज़ों के बारे में जो है ना आप इंटरेस्टेड है, तो फिर ये ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लंदन में भी मैं पढ़ूँ और वहाँ पे मुझे लोकेशन भी अच्छी मिले, यूनिवर्सिटी भी अच्छी मिले जिस तरह कैंटरबरी है, तो फिर वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे अपने लिए जॉब्स वगैरह, आपका कुछ अप्रोच वगैरह है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आए इसको देखे। बैकग्राउंड में आपने वीडियोस वगैरह को भी देखा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड किया था। तो फिर भी यहाँ पे मेरे बहुत दोस्त है, एक दोस्त से मैंने इंटरव्यू भी लेनी है, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर फिर भी आप लोग के कुछ सवाल आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।